शांज़े उस लड़के की वजह से ना मानी तो? है? अरे अगर वो बेवकूफ है तो हम लोग तो अंधे नहीं है कि उसे कुएं में धकेलेंगे। ये क्या हो रहा है? मैं सरमत हूँ, शांज़े से मिलने आया था, फूल आया था इसके लिए। अपना हाथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर में आए? प्रयास करो मैं तुम्हारा, क्योंकि तुम भाई हो शांज़े के। क्या कर लोगे तुम? न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बाबा और हम मान जाएंगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हम तुम्हें अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह करने नहीं देंगे। हाँ तो ठीक है यार, आप लोग की जो मर्जी चाहे करें, लेकिन मैं अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हटूंगी। देख लीजिएगा आप लोग। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कहते हुए? तुम एक लड़के के लिए हम सबके सामने खड़ी होगी, कोई लिहाज नहीं रहा तुम्हें। मेरा असद भाई का डैड का नहीं रहा, उस लड़के का कोई स्टेटस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक ऐसा लड़का जो तुम्हें अपनी फैमिली से बगावत करने पर मजबूर कर रहा है, ये सब तुम उसके लिए कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि वो आप लोगों से ज्यादा मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरी फीलिंग्स की उसको कह रहे ना कि आप लोगों को। रखे ये अपना घर गाड़ी अपने पास, चाहिए मुझे कुछ भी। मारे हाथ उठा रहे ना, मुझ पे हाथ उठा ले, क्योंकि अभी डैड ने भी तो यही किया है ना। अभी आप दोनों ही रह गए, उठा ले हाथ मुझ पे। लेकिन अब मैं आप लोगों की एक भी नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों की सारी बातें मान जाऊंगी, लेकिन ये आप लोगों की भूल है। समझ आ रही है? Do you guys get it? तुम जोर जबरदस्ती करके तुम कुछ भी मनवा लोगी। तुम क्या समझती हो? तुम्हारी शादी उज़ैर से होगी, उज़ैर के फादर को मैंने कह दिया है। अब तुम अगर इस फैसले को बदल सकती हो तो बदल के दिखाओ। चलो तुम लोग बाहर आ जाओ, मैं देखता हूँ ये क्या करती है। सब बाबा की ढील का नतीजा है। मगर असद, अब तुम भी बोल लो। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? मैंने थोड़ी शांज़े से कहा था ये सब करने के लिए। अलीज़े, कुछ जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी बनती थी ना। अम्मी के जाने के बाद तुम इस घर की बड़ी थी, तो क्या शांज़े तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? नजर रखती तुम उस पर। बड़ा कहने से नहीं, समझने से होता है। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने शुरू में कोशिश की थी, मगर शांज़े को ये बात पसंद नहीं आई, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो क्या करूँ फिर? नर्गिस आंटी से पूछो, वैसे भी ये उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। बहन है वो मेरी। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बहन है, मगर अब ये स्ट्रेस लेने का क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो गया, उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। हाँ ये सोचा जा सकता है कि इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बाबा सही कहते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ उसकी शादी। बाहर गया हो? जी अपने दोस्तों के पास गए। और तुमने जाने दिया? तो क्या मेरे रोकने से रुक जाता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चाहता क्या है, और जो कुछ वो चाहता है वो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हाँ। ऐसा करता हूँ कि जावेद से बात करूँ। हाँ उसे कहता हूँ वो समझाए, बल्कि उसे शेरजील के पास दुबई भेज दे। शेरजील के पास चला जाए, हो सकता है इस तरह अक्ल कोई ठिकाने आ जाए उसकी। वरना मेरा दिल कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा ये हमारे लिए। नहीं ऐसा नहीं है, बदल गया है वो, और अब आप इतना ना सोचे उसके बारे में। वो सरमत ने इससे पहले तो आज तक इसी लड़की के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बार वो लड़की के बारे में जो कुछ भी कर रहा है, मुझे तो लगता है दिलचस्पी ले रहा है, संजीदा है उससे। संजीदा तो खैर वो किसी चीज के बारे में भी नहीं हुआ कभी। इसी बात का तो रोना है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब कहते हुए? तुम एक लड़के के लिए हम सबके सामने खड़ी होगी, कोई लिहाज नहीं रहा तुम्हें। मेरा, असद भाई का, डैड का नहीं रहा। उस लड़के का कोई स्टेटस नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक ऐसा लड़का जो तुम्हें अपनी फैमिली से बगावत करने पर मजबूर कर रहा है, ये सब तुम उसके लिए कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ। मेरी फीलिंग्स की उसको कह रहे ना कि आप लोगों को रखे अपना घर गाड़ी अपने पास। शांज़े चाहिए मुझे कुछ भी। शांज़े, शांज़े रिलैक्स, रिलैक्स। जब मेरे दोनों भाई अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ या मेरे साथ मेरी मॉम नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है जो फैसला तुम कर रही हो वो गलत है और वो तुम्हें ही नुकसान देगा। वो बस यही सब सोचकर तकलीफ। ये मेरी जिंदगी है यार, मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ। कौन होते हैं लोग? वो भाई है तुम्हारे, बाप है तुम्हारा, जो प्यार करते हैं तुमसे। कैसा प्यार? ये प्यार करने वाले रिश्ते ही ना मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकते, उन्होंने तो हमेशा तुम्हारी पसंद को तरजीह दिया ना। किस किस्म की पसंद की आप बात कर रही हैं? कपड़ों में, मेकअप में, जूते में ये पसंद होती है? नहीं ना। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है और मैं ये डिसीजन किसी को अपनी मर्जी के बगैर नहीं लेने दूंगी। ये बात आप सुन ले, जाए यहाँ से। जिसने आपको यहाँ पे भेजा है जाके आप उन्हें कह दें कि मैं अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हटूंगी। जाए यहाँ से, जाए, जाए। आप लोगों की एक भी नहीं सुनूंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों की सारी बातें मान जाऊंगी, लेकिन ये आप लोगों की भूल है। समझ आ रही है? डू यू गाइस गेट इट? फैसला कर चुका हूँ, अब मुझे शांज़े को मजीद ढील नहीं देनी चाहिए। जल्द से जल्द उसे शादी करके रुखसत कर देना चाहिए। उसकी जिद ने मुझे मेरी बहन से जुदा कर दिया। आज जितने दिन हो गए उन्होंने मेरा फोन तक नहीं उठाया। मुझे इस मामले को अब मजीद देर तक लटकाना नहीं चाहिए। मैं ये जानता हूँ वो मेरी औलाद है, मेरी इज्जत का मान जरूर रखेगी। मॉम कुछ खाना लगवा दें, I'm hungry। ओहो बाजी वाह, what a surprise। बच्चा मैं ठीक हूँ, प्लेजेंट सरप्राइज कैसे हो? ठीक हो मिलने के लिए, मगर कुछ घर में मसले चल रहे थे तो इसलिए नहीं आ सके। अरे आओ ना, चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। सब कुछ ठीक है ना? सब हाँ सब ठीक है। आ जाए। और सुनाएं, आपका बिजनेस कैसे जा रहा है? ठीक जा रहा है, It's doing well। मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें याद ही कर रही थी। अच्छा हो तुम आ गई। मामा बता रही थी कि वकार अंकल काफी बीमार रहे हैं पिछले दिनों, तो ऐसी सूरत में तो लाजिम बिजनेस संभालना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, काफी तबीयत उनकी खराब थी, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। अब तो ऑफिस आना भी शुरू करती है। जाहिर बात है उनकी गाइडेंस के बगैर तो हम चल भी नहीं सकते। गाइडेंस? व्हाट? आप लोगों को अभी भी उनकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है? चलें छोड़ें, कुछ और बताएं। ऑल वेल, तुम बताओ कैसा जा रहा बिजनेस? कितने दिनों के लिए आया? हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही है। अपने यूएस के पार्टनर के साथ यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर काम चल पड़ा तो फिर यहीं रह जाऊंगा। मॉम की भी तो यही ख्वाहिश है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। That's nice। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद उसके नजरों के सामने रहे, और आशर का यहाँ रहना मेरे साथ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती मेरे लिए। असद भाई, मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रपोजल है। अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेठ इफ्तिखार का नाम तो सुना होगा आपने? हाँ, नाम तो सुना है, काफी मशहूर आदमी। तो फिर तो मुझे आपको कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहें तो हम तीनों मिलकर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। अभी तो हमारे अपने बिजनेस के बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं तो। असद, कैसी बातें कर रहे हो? आशर इतनी अच्छी ऑप्शन दे रहा है तुम्हें, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार थोड़ी मिलती है। आई थिंक तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। आशर, तुम प्रपोजल बनाओ, जो भी उसका वो है, असद करेंगे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप। चलें, जबरदस्त। तो फिर परसों मेरी सेठ इफ्तिखार के साथ मीटिंग है, तो सारी चीजें फाइनल कर लेते हैं, और अगर आप भी मुतमईन है तो कॉन्ट्रैक्ट भी परसों ही साइन कर लेंगे। देखते हैं। अच्छा चलो, क्या खाओगे? मैं कुछ लेकर आती। नहीं नहीं, आज हमें शांज़े के ससुराल में डिनर है, उस पर जाना है, आज खाना नहीं खा सकते। ठीक कह रही है। अरे ऐसे कैसे, इतने दिनों के बाद तुम दोनों आए हो, कुछ तो खा कर जाओ। नहीं, आज नहीं हो सकता ना, आप बात को समझें, बहुत जरूरी है वहाँ जाना। हम बस आशर से मिलने के लिए आए थे। अच्छा रुको ना, थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा देर, 10 मिनट। कहीं जा रहे हो? जी, दोस्त ने जॉब का बताया, बस उससे बात करने जा रहा हूँ। और मैं समझ रहा था कि तुम मेरे साथ काम करोगे। खैर, वो काम तो तुम्हें पसंद ही नहीं है, जानता हूँ मैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फिल कर दो इन्हें, और अगर कोई मसला हो तो वो शेरजील का नंबर भी है इसमें, उसे फोन करके पूछ लेना। मगर किस लिए भाई? इतनी जल्दी तो जॉब तुम्हें यहाँ मिलेगी नहीं, और जो तुम चाह रहे हो वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। मुझे हर बात पे लालची होने का ताना देते रहते हैं। क्या मुझे अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से, आसाइशों के साथ जीने का हक नहीं है? हाय भाई, लेकिन अपने जोरे बाजू पर ना। हाँ तो फिर आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी और की बैसाखी पकड़कर चलना सीखूं? मैं जो भी कुछ करूंगा अपने जोरे बाजू पर करूंगा, और आपको करके दिखाऊंगा। जानता हूँ जो खन्नास आजकल तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ना, उस अमीर लड़की को सीढ़ी बनाकर उसके बाप की दौलत तक पहुंचना चाहते हो ना तुम? तो कान खोल कर सुन लो, कभी कामयाब नहीं होगे, नाकाम और जलील होगे तुम। मुफ्ती कसम, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मेरे सगे बाप हैं ही नहीं। अरे उससे शादी करना चाहता हूँ मैं, कोई गुनाह नहीं, और आपको तो मुझसे इतनी नफरत है कि मेरा हर अमल आपको गुनाह लगता है। करते रहे मुझ पर शक, मगर मुझे खुशी होती है कि अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं। बात सुनो सलमा जी, ये सब घर वाले कहाँ पे गए हैं? वो आपके होने वाले ससुराल गए हैं और अलीज़ा बीबी बता रही थी आज शादी की तारीख भी तय करके ही आएंगे। आज तुम जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे के लिए दुबई चला जाए, हैं? कुछ अरसा हमारा रहेगा ना तो दिमाग भी ठिकाने आ जाएगा और हो सकता है कि उसी अरसे में उस लड़की की कहीं शादी भी हो जाए इसी असना में। अगर ये सोच सोच के मेरी रातों की नींद उड़ गई है कि अगर अपने पागलपन में इसने ऐसा वैसा कोई कदम उठा लिया तो भाई हम लोग तो उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। हाँ, वो आप वकार साहब से जाकर खुद बात क्यों नहीं करते? पागल हो गई हो क्या? अरे वो तो उल्टा मेरे गले पड़ जाएंगे। उनके दोस्त ने फोन करके मुझे बताया कि तुम्हारे सरमत ने उनके घर जाके हंगामा किया। अब अगर पुलिस को बुला लेते हम क्या कर लेते? बोलो। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत हो, मैं सरमत से खुद बात करूंगी। 2-4 महीने के लिए दुबई चला जाए, अगर ढंग की नौकरी नहीं मिलती तो वापस आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारी तो बात मान लेगा ना वो? देखिए, कोशिश करने में हर्जी क्या है, कर लो भाई, देख लो करके। क्या हुआ, शांज़े नहीं आई? नहीं, वो तो अपने कमरे में नहीं है। क्यों, कहाँ गई है वो 2 दिन से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। जी, वो आप लोग के जाने के थोड़ी देर बाद ही तैयार होके चली गई थी। तो जब वो जा रही थी तो उसके पास कुछ सामान था? सामान? नहीं, सामान तो कोई नहीं था। जो बैग लेके जाती है वही था उनके पास। अलीज़े, सामान क्यों लेकर जाएगी वो? इसी पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। तुम उसकी फ्रेंड को फोन करो। जी उज़ैर, तुम भी ट्राई करो। जी मैं करता हूँ। लेकिन हमें कोई तो फैसला लेना होगा ना। अभी जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और वो उनके घर गए हुए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं देंगे और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और उसके लिए उन्हें तुम्हारी मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ही है ना? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। वो सब इस तरह बिहेव करते हैं जैसे मुझसे नफरत करते हैं। सरमत, मेरा आखिरकार कसूर क्या है? शांज़े, तुम प्लीज रोना तो बंद करो। तुम ऐसा रोता देखते हो मुझे तकलीफ हो रही है। तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुमने बस मोहब्बत की है और अपनी मर्जी करने की कोशिश की है, जो कि दुनिया वालों को कभी कबूल नहीं। तुम्हें पता है अब्बू मुझे दुबई भेज रहे हैं। क्या तुम भी मुझे सबकी तरह छोड़ के चले जाओगे? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़ सकता हूँ? तो तुम नहीं जाओगे ना? नहीं, लेकिन हमें कोई तो फैसला लेना होगा ना। अभी जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया और वो उनके घर गए हुए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं देंगे और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और उसके लिए उन्हें तुम्हारी मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं होगी। ऐसा ही है ना? तुम शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं ऐसी बंद गली में आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ से मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। या आगे या फिर पीछे। शांज़े तुम कोई भी कदम उठाओ, आगे या पीछे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। उस अमीर लड़की को सीढ़ी बनाकर उसके बाप की दौलत तक पहुंचना चाहते हो ना तुम, तो कान खोल कर सुन लो, कभी कामयाब नहीं होगे, नाकाम और जलील होगे तुम। होगा तो वही जो मैं चाहता हूं। ठीक तो मिलाओ ना नंबर उसका। जी डैड मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अब आप प्लीज काम डाउन। शांज़े इधर आओ, कहाँ थी तुम? तुम्हें कुछ एहसास भी है ये कोई वक्त है घर आने का? जब मैं इस घर में किसी से नहीं पूछती कि कौन कहाँ जा रहा है तो मैं भी आई डोंट थिंक मुझे किसी को आंसर करने की जरूरत है ना। जस्ट शट अप। ओके देखा पापा, हम यहाँ पर इसके लिए परेशान हो रहे थे। जस्ट लुक एट। किससे मिलके आ रही हो? सरमत से। चलो अच्छा है, आखिरी बार तुमने उससे मिल लिया। उसको बता दिया होगा ना कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, फुरकान अंकल और उनकी फैमिली आ रहे हैं शादी की डेट फिक्स करने के लिए। अगर मैं आप सब लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ तो एक काम करें, आज इसी वक्त मेरा निकाह करें और इस घर से रुखसत कर दें मुझे। सही है? शांज़े बस करो, कितना इम्तिहान होगी मेरी बर्दाश्त का। शांज़े तुम्हारे पापा। आप चुप रहे, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सब कुछ हो रहा है ना इस घर में, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। जब से इस घर में आई है एक से एक चीजें होती चली जा रही हैं। मुझे इल्जाम मत दो, हर गड़ा तुमने अपने लिए खुद खोदा है। और मैं अब थक गई हूँ। इस घर में हर मुसीबत की वजह मैं हूँ, हर इल्जाम मुझे दिया जाता है। और आप सबको अपना समझने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए अब तक गैर हूँ। हाँ है आप हमारे लिए गैर, क्योंकि जब से आप इस घर में आई है ना, आपकी वजह से हमारे घर में, हमारे घर का चैन, हमारे घर का सुकून सब कुछ बर्बाद होके रख गया है। सही कह रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने का मौका नहीं देंगे और वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और उसके लिए उन्हें तुम्हारी मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसी बंद गली में आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ से मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। या आगे या फिर पीछे। शांज़े तुम कोई भी कदम उठाओ, आगे या पीछे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अफसोस है कि किसी ने भी मुझे समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। मेरी ज़िंदगी के इतने इम्पोर्टेंट फैसले को एक तमाशा बना के रख दिया और अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन शायद पापा ये बात भूल गए हैं कि मैं भी इन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं की तरह ज़िद्दी, और मैं अपनी ज़िद मनवा कर रहूँगी फॉर श्योर। आप यहाँ क्यों खड़ी? नहीं हुई। नर्गिस शांज़े इस वक्त बहुत ही ज़हनी उलझाव का शिकार है। उसको समझ में नहीं आता कि वो किस वक्त किसी को क्या कह जाती है। उसने जो कुछ भी तुम्हें कहा है मैं तुमसे एक्सक्यूज करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत में कोई फर्क नहीं था, तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ थी उसके मामले में। जब आप बता ही चुके हैं कि वो किस मेंटल स्टेट में है, तो उसे हर किस्म की आज़ादी है, किसी को भी कुछ भी कह दे। मेरा ये मतलब नहीं था। रहने दे वकार, इस पर डिस्कस ही नहीं करते, बात ना करें इस पर। देखो नर्गिस, मुझे इस वक्त जितनी तुम्हारी ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। मैं पहले भी आपके साथ थी और अब भी आपके साथ। अगर बताओ, अगर इस हफ्ते उसका निकाह कर दे तो ठीक रहेगा। मेरा ख्याल है वकार, अब आपकी बात मत सोचें। आप उन लोगों को ज़बान दे चुके हैं। 5 दिन का कह दिया है तो बस अब 5 दिन बाद निकाह कर देते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि निकाह से पहले वो घर से ना निकले। आप हर वक्त उसके साथ रहें, उसका ख्याल रखें, उसको देखें। ठीक है? थैंक यू। आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या ठीक नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग शांज़े के रिश्ते के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। यार देखो महरीन, इस बात का फौरी हल यही हो सकता था, वरना वो उस लड़के के साथ कितना आगे निकल जाती। तुमने देखा नहीं था? तो आपको क्या लगता है अब नहीं जाएगी? यार देखो शांज़े चाहे जितनी ज़िद्दी हो, उसका गुस्सा कितना भी तेज़ हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे डैड या उसकी फैमिली हर्ट हो। ये आपका अंधा एतमाद बोल रहा है। अल्लाह ना करे कभी दगा मिले आप लोगों को। कितनी जज्बाती भी तो है वो। महरीन क्या हो गया तुम्हें यार? घर में ऑलरेडी इतनी डिस्टर्बेंस चल रही है और रात को सोने से पहले तुमने ये बातें शुरू कर दी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। शांज़े। जी फरमाएं। तुम्हारे पापा ने कहा है शॉपिंग पे चलना है। तो क्या वो भी हमारे साथ जाएंगे? नहीं, उन्हें रास्ते में हम ऑफिस ड्रॉप करेंगे, फिर हम दोनों चलेंगे। चाहे थोड़ी देर में आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? फिल कर दिए हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, एक आध हफ्ते में आ जाएगा। और वो शेरजील से भी बात हो गई है, अपनी सीवी और एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह सब भेज दिए उसको। कह रहा था कि वहाँ जाते ही जॉब लग जाएगी। तुमने फैसला कर लिया कि तुम दुबई जा रहे हो? वाकई? जी बहुत सोचा मैंने आपकी बात के बारे में। मैं 2-3 जगह अप्लाई किया है, अब देखें कहाँ बात बनती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, दे रहा है, दुरुस्त है। सरमत, ये जो जिंदगी में मौके आते हैं ना, इनको हकीर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है ऐसे ही किसी मौके और चांस में तुम्हारी खुशकिस्मती और गुड लक छुपी हो, है ना? जी, बल्कि आपकी वजह से अब ये स्टेप लेने पर मजबूर हो गया ना मैं, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तुमने चीजों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। देखो बेटा, मेहनत से जो ख्वाब भी देखोगे ना, पूरा होगा इंशाल्लाह। हाँ, वो जैसे आपने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया है, उसी तरह से मैं भी अगर सच्चे दिल से मेहनत कोशिश करूंगा तो जिस जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की है वो सब कुछ हासिल कर सकता। सुहेब कहाँ रह गया? घर में तो है ना? जी बाबा, घर में ही। कॉल करो उसे। बाबा कॉल की है लेकिन फोन उठा नहीं रहा। जब से ऑफिस से आया वापस पता नहीं क्या हुआ उसे। मुझे पता है क्या हुआ। क्या हुआ? छोड़ो ये बात। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूं कि यूके में एक अपना ऑफिस खोला जाए और उसकी सारी देखभाल जो है वो मैं जो है के सुपुर्द करना चाहता हूं। क्या हो गया बाबा? आपको लगता है कि सुहेब ये सब कुछ संभाल सकता है जाकर वहां पर? और वैसे भी अभी हमारा पाकिस्तान में बिजनेस प्रॉपर्ली नहीं संभला, हम लंदन किस तरह ऑफिस नया खोल सकते हैं? तो बेटा बात यह है कि हमारे ज्यादातर एक्सपोर्टर जो है ना वो यूके से हैं, इटली से हैं। हमारा लेदर का काम है, तो उसके लिए उनके साथ मुसलसल एंगेजमेंट रखनी पड़ेगी। देखो ना, पिछले साल हमने नहीं रखा, कितना नुकसान हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ऑफिस खोलकर ज़ुएब को बिठा दिया जाए, बस इतनी सी बात है। यहाँ का जितना भी काम है ना, जितनी भी हमारा ये लेदर का जो बाइंग सेलिंग जो जो भी है, वो तुम देखो। सरमन, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे होते हुए घबराने की क्या जरूरत है? तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब तुम मुझे कुछ भी मत समझाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।